आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से ब्लू टिक का ऑप्शन मिल चुका है। दोस्तों आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, इट्स एनजे और साथ में ब्लू टिक का ऑप्शन कितना कूल लग रहा है। दोस्तों बड़े सारे लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिला है, अगर आपको भी नहीं मिला है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेगा। अगर आपको मिल गया, अगर आपको सेटअप करना नहीं आ रहा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों ने मतलब की पैसा तो दे दिया लेकिन उनको ब्लू टिक का ऑप्शन ही नहीं मिला, उनके पैसे भी फंस गए और रिफंड भी नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एकदम नीट एंड क्लीन। मैंने एक ही बार अप्लाई किया और एक ही बार में मुझे यहाँ पे ब्लू टिक मिल गया। इंस्टाग्राम बोलता है कि अप्लाई करने के 48 आवर्स के बाद आपको मतलब ब्लू टिक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अप्लाई करने के मुझे मतलब कि ठीक 12 घंटों के अंदर, 12 घंटों से भी कम में मुझे लगा और यहाँ पे मुझे ब्लू टिक का ऑप्शन मिल गया। दोस्तों पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज लगने वाली है इस ब्लू टिक को लेने के लिए और बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट 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 वेट, जितने भी लोग श्री राम जी के भक्त है वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली में कितने लोग जो है वो श्री राम जी के भक्त है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मेरे प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ITX सबसे पहले फॉलो कर लेना, ठीक है। फिर आपने मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस यहां पे क्या लिखा है, ज्वाइन द व्हाइट लिस्ट फॉर मेटा वेरीफाइड, जो भी है, ठीक है ना। तो गाइस इसको आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चाहे आपको मिला ऑप्शन नहीं मिला, आपने सिंपली ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करते ही आपको भी मिल जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम के पास चल गया कि आपको वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक दो दिन में या तो मतलब कि कुछ भी टाइम में, थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, आप सिंपली प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आने, यहाँ पे गिफ्ट ऑन रील्स जैसे शो कर रहा है मेरा न्यू ऑप्शन, ये अगर आपको चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, इससे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो इसी जगह पे आपको मेटा वेरीफाइड करके मिलेगा। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे मिल चुका था, मैंने यहाँ पे साइन अप कर लेना, ठीक है। तो गाइस साइन अप करने के बाद यहाँ पे गेट वेरीफाइड पे क्लिक करना, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम अपडेट करते रहना तभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना, आपके सामने बड़े सारे गेटवे खोलेंगे, आप किसके थ्रू पे करना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कौन सा खुलता है, पेटीएम वॉलेट भी हो सकता है, यूपीआई, तो मेरे पास पेटीएम वॉलेट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेटीएम वॉलेट, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने पे कर दिया है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, पे कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ मेरा पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे कह रहा है सेटअप टू टाइप वेरिफिकेशन, जो भी हमारी टू टाइप वेरिफिकेशन, हमने इसको ऑन कर लिया। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस वीडियो को देखो, आपने सिंपली टेक्स्ट SMS पे क्लिक करना, आपका नंबर तो ऐड होगा ही ना, तो आपके नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। तो वही OTP आपने इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वेट करता हूँ, OTP डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे OTP आ जा, आ जा, आ जा। तो यहाँ पे मेरा OTP आ गया, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है टू टाइप वेरिफिकेशन, जो भी हमारा ऑन हो चुका है, हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझना, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, नेशनल ID कार्ड, इन सबको छोड़ो, आपने लास्ट वाले ऑप्शन को पकड़ना है, स्टेट ID, आधार कार्ड सबके पास है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। दोस्तों आपने क्या करना, आधार कार्ड का जो होता है ना आपको फ्रंट और बैक वाला, वो यहाँ पे मतलब कि फोटो क्लिक करके अपलोड करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आ गया और टेक अ फोटो, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो आपको जो फ्रंट वाला होगा आधार कार्ड का, उसका सबसे पहले फोटो क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो बैक वाला होगा उसका फोटो क्लिक करना है, ठीक है। दोनों का फोटो क्लिक करना है आपको इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर ले, तो मैंने आधार कार्ड के थ्रू ही लिया गया, वो भी 12 घंटे के अंदर। इस तरीके से आपके सामने कैमरा ओपन होगा, आधार कार्ड सामने आएगा, तो ऑटोमेटिक स्कैन करके क्लिक हो जाएगा, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बैक को भी आपने रखना है और बैक भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये अपलोड हो जाएंगे दोनों, मैंने दोनों अपलोड कर दिया, फ्रंट और बैक, ठीक है। ध्यान रखना फ्रंट और बैक दोनों करना है, जिसमें आपका एड्रेस साफ साफ दिखना चाहिए, आपका नाम, आपकी फोटो, आपका एड्रेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। मैंने लाइट्स वगैरह ऑन करी थी सारी, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, ये अब इंस्टाग्राम के पास जा चुका है। अब दोस्तों इंस्टाग्राम यहाँ पे मतलब 48 आवर्स बोलता है, मुझे तो 12 घंटे के अंदर अंदर मिल गया था। अब डिपेंड करता है, अगर आपने कोई अपने प्रोफाइल पे कांड नहीं कर रखा होगा, या कोई स्ट्राइक नहीं होगी, या कोई भी वॉयलेट नहीं कर रखा होगा इंस्टाग्राम की पॉलिसी को, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। आपने सबसे पहले वहां पे चेक करना है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपने को चेक कैसे करना है कि आपने कोई वॉयलेशन नहीं कर रखी, आपका ग्रीन टिक होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या ग्रीन टिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली अकाउंट में आएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करने का आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो मेरा यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यू डोंट हैव पोस्टेड एनी दैट इज अफेक्टिंग योर अकाउंट स्टेटस।
मतलब मैंने ऐसा कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रखा है कि जिसके वजह से मेरे अकाउंट को इफेक्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका मतलब कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बट कैन नॉट बी रिकमेंडेटेड, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो योर कंटेंट मे बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन, मतलब मैं कोई भी मतलब कंटेंट पोस्ट करूंगा, फोटो पोस्ट करूँ, वीडियो पोस्ट करूँ, रील पोस्ट करूँ, कुछ भी पोस्ट करूँ यार, तो यहाँ पे मेरा मतलब एलिजिबल है कि वो रिकमेंडेशन में जगह यहाँ पे टिक बजाओ, ठीक है ना। गाइस मिला जुला के बस बात इतनी सी, अगर आपकी आईडी पे कोई भी स्ट्राइक का कोई भी वायलेशन कोई भी कांड कर रखा है अपने आईडी पे, मैंने बता दिया किस तरीके से चेक करना। अगर आपका भी वहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन आता है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा कोई भी पोस्ट आपकी आईडी को, या कोई मतलब आपके वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जानी है, तो वहां पर भी पढ़ लेना। अगर वीडियो आपकी रिकमेंडेशन में नहीं जा रही तो भाई उस पर फायदा ही नहीं उस अकाउंट पे लेने का, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप मतलब स्टॉप कर देना, न्यू आईडी बनाना, उस पर ले लेना। उस पर तो बिल्कुल भी मतलब कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करना दोस्तों, एकदम नीट एंड क्लीन काम करने के इरादे से तो भाई काम ही करना, उस पर वेरिफिकेशन ले लो। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जय श्री राम।